हमने इन सारों को आज पैगाम सबको यहां खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद ये सबको बहा के ले जाएगा। सारा पाकिस्तान आज तैयार है, मुल्क तैयार है, मुल्क की तोहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर हमारे एम्बेसडर को कहता है डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को अगर तुमने वजारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम इतमाद कामयाब कर दी इसके खिलाफ और ये बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो कहता पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं इसे पूछता हूं तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? नौजवानों क्या हम अमरीकियों के गुलाम हैं? हम इनके नौकर हैं? हम इनके नौकर या गुलाम नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम ये है गुलाम। आसिफ जरदारी जिसके अरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े वो है उनका गुलाम। और नवाज शरीफ जिससे ज्यादा बुजदिल आदमी मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, हर वक्त तुम दबा के बाहर भाग जाता है, ये है उनका गुलाम। और वो है गुलाम मौलाना डीजल, खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूं मैं। मौलानों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं अपने दीनी उलमा की इज्जत करता हूं, इसको मैं कह ही नहीं सकता मौलाना क्योंकि ये डीजल के परमिट पे बिकने वाला है। इसने अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन को कहता, नौजवानों अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन थी आज से 10 साल पहले, उसे कहता कि आप मुझे भी मौका दे दें मैं आपकी खिदमत बेहतर करूंगा इनसे। तो ये हैं उनके गुलाम। हमारी कौम गैरतमंद है, हमारी कौम जब बनी थी तो वो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और मेरे नौजवानों ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। और हम वो लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर आया था, ना कभी आ सकता है ना कभी आया था, हम उसकी उम्मत है, हम उसकी उम्मत है जिसने मदीना में वो अरब जिनकी हैसियत कोई नहीं थी उनको उठा के दुनिया की इमामत करवाई। उसने ये नहीं कहा कि दो सुपर पावर्स थी कि उनके सामने झुको, उसने कहा कि हम वो
हम अल्लाह की वो मखलूक हैं जो दुनिया को इमामत देने आए हैं। उन्होंने उन अरबों को दुनिया की इमामत कैसे करवाई, उनको आजाद कर दिया, छोटे से लोगों को बड़ा लोग अजीम लोग बना दिए। खौफ की जंजीर, खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता, तब तक वो बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मुझे कहते इमरान खान अपनी जान की हिफाजत करना आपको बड़ा खतरा है, बैरूनी भी खतरा है, अंदरूनी भी, ये सारे माफियाज इनसे खतरा है। मेरा ईमान उसके ऊपर है जिसने वाजे तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारा वक्त आ जाए ना एक मिनट आगे होता है ना एक मिनट पीछे होता है। मुसलमान ना वो मौत से डरता है ना वो डरता है कि कोई आदमी उसको जलील कर देगा। इन्होंने मीडिया के ऊपर कितनी कैंपेन चलाई मेरे खिलाफ, कितना इन्होंने मुझे जलील करने की कोशिश की, मेरी किरदार कुशी की, लेकिन आज आप देखें इज्जत देने वाला अल्लाह किस तरह तादाद में आप आए हैं, मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। कोई इंसान आपको जलील नहीं कर सकता ना ही कोई इंसान आपको इज्जत दे सकता है। और फिर मैं आज अपने सारे सरकारी नौकरों से बात कर रहा हूं, पुलिस वालों से बात कर रहा हूं, अपने फौजियों से बात कर रहा हूं, जो भी तनख्वाहदार है उससे बात कर रहा हूं,